स्वतंत्रता के लिए, अपने आजादी के लिए, अपने न्याय के लिए वहां झगड़ रहे और वहां के सरकार के अत्याचार और अन्याय को उन्हें सहन करना पड़ रहा है। तो जब अफगानिस्तान अगर आप लेते हैं तो श्रीलंका का भी विचार होना चाहिए था। बाकी के तो देश है, मैं नहीं कहूंगा कि आप नेपाल तो हिंदुत्ववादी देश है, लेकिन श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेशी हो, ऐसे जब विचार करते हैं तो अफगानिस्तान का अगर आप देते वक्त समुद्र जमीन तटीय देश का अगर नॉर्म्स लगाते हैं तो श्रीलंका के भारतीय लोगों को भी संरक्षित करना इस सरकार का कर्तव्य है और कर्तव्य उन्होंने निभाने का काम उन्होंने तय करना ही चाहिए। सभापति महोदय, 5 मिनट हो गया, घंटी बजाए क्या? इस जब तीन देशों से लोग आएंगे, यानी एक्चुअली आए हुए जो 2014 तक, इस मंत्री महोदय जी ने अपने विचार में देश के कई राज्यों से उनके अलावा कर दिया है, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य। लेकिन आज भी मैं जानता, मुझे मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से पूर्वोत्तर राज्य के लोग आज भी उनके दिल में डर पैदा हुआ है कि वहां अगर वहां के भूमिपुत्रों को आज भी रोजगार नहीं, भूमिपुत्र आज भी अपने न्याय के लिए झगड़ रहे और ऐसे वक्त में सारे के सारे अगर भूमि ये आने वाले लोग जिनको संरक्षण दिए जाने वाले लोग हैं अगर वही राज्य में रखे, अगर नहीं रखना चाहते तो देश के कौन से राज्य में आप रखने वाले हैं उसकी भी जानकारी मिलने की आवश्यकता है। अगर अपने 5 राज्य 6 शेड्यूल के अगर वहां इनको वहां से अगर उनको हटाकर अगर भारत के अन्य राज्यों में अगर आप रखेंगे तो कौन से राज्य में इनका पुनर्वास करेंगे और वहां क्या अगर करना हो तो उसके बारे में सरकार की नीति अभी तक स्पष्ट हुई नहीं है। हम जानना चाहते हैं इस बिल के माध्यम से घुसपैठों की संख्या, जिनको संरक्षण देने हैं उनकी संख्या और जिन्हें इतने संरक्षण देते वक्त वहां के लोगों का पुनर्वसन कि कहां कहां देश में करने वाले। इतने कम वक्त कैसा मिला सभापति महोदय? एक महत्वपूर्ण विधेयक है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम 6 घंटा की डिस्कशन की मांग की है तो बेल थोड़ा कम बजाइए, नहीं बजाएगा तो अच्छा है। तो सभापति महोदय, अभी हालांकि 370 कलम हटा गया, हम शिवसेना के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं 370 कलम हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में इस भारत देश के कई राज्यों से कितने लोग जाके वहां सेटल हो गए, कितने लोगों ने अपना व्यवसाय चालू किए, वहां के लोगों को कितना रोजगार मिला। सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, कानून बनाने के बाद उसका अमल होना चाहिए और हमें गर्व है 370 हटाकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर अखंड हिंदुस्तान में अगर आप शामिल करने जब जाते तो उतने ही प्रावधान करके वहां के कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन, जिसके बारे में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास भी विनंती की थी कि ये बिखरे हुए कश्मीरी पंडित सपने अपनी संपत्ति को छोड़कर भाग गए थे उनका पुनर्वसन करें। और मैं आदर से व्यक्त करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी हो, आज के राजनाथ जी सिंह साहब हो, इन्होंने इंसानियत से उनके साथ इंसाफ किया और आज पूरे देश में और सुखी से वो जीवन जीता बीत रहे। लेकिन उनकी संपत्ति जम्मू कश्मीर में है सभापति महोदय, तो 370 के बाद कश्मीरी पंडितों को भी जम्मू कश्मीर में उनकी जो बाप दादे के वक्त से जो उनकी जो जो प्रॉपर्टी वो उनको मिलनी चाहिए, उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान करने की आवश्यकता है। सिर्फ कानून बनाने से नहीं, तो माननीय सांसद राजीव रंजन जी, सभापति महोदय थोड़ा सा और वक्त है, थोड़ा सा और वक्त दीजिए, 8 मिनट हो गया आपका। ये सारे लोगों के ऊपर दया करने में हमारा कुछ हर्ज नहीं है, करे उन्हें आश्वासित करे, लेकिन उनके माध्यम से हमारे देश में रहने वाले भूमि पुत्रों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके लिए सरकार ने प्रावधान करने की आवश्यकता है। और एक सुझाव करना चाहता हूं मैं कि चाहे ठीक है इतने बरस के बाद तो आप उन्हें संरक्षित करें, तो एक अगर इस निर्णय के ऊपर
एक राजनीतिक मामले के ऊपर अगर नहीं देखना होगा, एक इस निर्णय के ऊपर स्वच्छ विचार से आप निर्णय लेते हैं ऐसा अगर साबित करना होगा, तो हमारी मांग है शिवसेना की तरफ से ये सारे जो जिनको आश्वासित करने वाले हैं उनको अगले 25 बरस तक वोटिंग राइट मत दीजिए, उनको रहने दो देश में, सेवा करने दो देश की, उनको और भी कुछ उनका उनके माध्यम से जो फायदा करके लेंगे, लेकिन अगले 25 बरस तक ये लोगों को वोटिंग राइट या मतदान का अधिकार न दे ऐसा प्रावधान करे, और साथ साथ अफगानिस्तान को डिलीट करके अगर अफगानिस्तान लेते तो श्रीलंका का भी अंतर्भाव करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद सभा।